I welcome you all in this session. Open Educational Resources जो विषय है वो बहुत नया विषय अब तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम लोग पिछले लगभग दो दशक से इनकी बात कर रहे हैं. So OERs are not a very new topic to all of us because now we are talking about it for last at least past two decades. ये OERs क्या होते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस की क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी ऑनलाइन मटेरियल अगर अवेलेबल है तो वो OER होगा या नहीं होगा, यदि हमें ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ढूंढने हैं तो हम कहां से ढूंढ सकते हैं, OER के विषय में और जानना है, गहन अध्ययन करना है तो कौन से अवसर हमारे सामने उपलब्ध हैं, और OERs के अलावा भी एक टीचर के तौर पर जब हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में जाते हैं तो कभी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कभी हम इमेज यूज करते हैं, कभी हम वीडियो यूज करते हैं, कभी हम कोई म्यूजिक यूज करते हैं, तो वो हम कहां से ले सकते हैं, किन सावधानियों को हमें रखना चाहिए, इन्हीं सब बिंदुओं के इर्द गिर्द आज की चर्चा हमारी रहने वाली है. तो मैं अपनी बात को OER से शुरू करता हूं. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, मुक्त शैक्षणिक संसाधन जो हैं, ये मूलतः एक आंदोलन है और बहुत सारे लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे शिक्षक इसके साथ जुड़े हैं, वे अपने स्रोत बनाते हैं, वे संसाधनों का निर्माण करते हैं, वे संसाधनों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं. दे मेड अवेलेबल दीज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बट इफ यू वेंट बैक टू द हिस्ट्री, अगर आप इसके इतिहास की तरफ थोड़ा सा जाएं, तो आप ये देख सकते हैं कि ओपन एजुकेशनल जो रिसोर्सेज शब्द था, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2002 में यूनेस्को की एक फोरम थी, ओपन कोर्सवेयर फॉर हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, उस फोरम में पहली बार इस शब्द को प्रयोग किया गया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. उससे पहले यह शब्द प्रचलन में नहीं था, ओपन कोर्सवेयर का शब्द उससे पहले से प्रचलन में था. सवाल यह उठता है कि OER क्या हो सकता है, कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम लोग OER कह सकते हैं. तो अगर हम डेफिनेशंस के हिसाब से जाएं, तो मैं बहुत सारी डेफिनेशंस की यहां चर्चा ना करके उन डेफिनेशंस में जो कहा गया है उसको आपके सामने रखता हूं, कि कोई भी एजुकेशनल रिसोर्स, एनी एजुकेशनल रिसोर्स, चाहे वो करिकुलम मैप है, चाहे वो कोर्स मटेरियल है, चाहे वो कोई टेक्स्ट बुक है, कोई वीडियो है, लाइव वीडियो है, या यूट्यूब जैसे स्थानों पर अपलोडेड वीडियो है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, कोई पॉडकास्ट ऑडियो है, या ऐसा कोई भी मटेरियल जो टीचिंग लर्निंग में, शिक्षण अधिगम में प्रयोग करने के लिए बनाया गया हो और वो एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए प्रयोग के लिए ओपनली अवेलेबल हो, बिना किसी रॉयल्टी या लाइसेंस फी को पे किए. जैसे कई बार आप इमेज ढूंढते हैं, गूगल में बहुत सारी इमेज हमें मिलती हैं, लेकिन जब हम उन इमेज को डाउनलोड करने जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि आप ये इमेज परचेस करिए. इट मीन्स वो इमेज एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स नहीं है. बहुत सारे वीडियो लाइसेंस्ड वीडियो होते हैं, हम जब तक उनको सब्सक्राइब नहीं करते, हम जब तक वहां से चीजें पेमेंट नहीं करते, हम उस वीडियो को यूज नहीं कर सकते. तो ऐसे में एज ए टीचर कई बार हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो हम इंटरनेट पर ढूंढते हैं, जिनको हम यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करने से ठिठक जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो हमें अलाउड है उसको यूज करना या उसको यूज करना अलाउ नहीं है. तो कैसे हम इसको जाने कि एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स क्या है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो इसकी जो सबसे अच्छी पहचान है वो ये है कि OERs के लाइसेंस होते हैं. ये लाइसेंस क्या होते हैं, अगर OER और किसी दूसरे मटेरियल में, हमें ऑनलाइन मटेरियल में, खास तौर पर एजुकेशनल मटेरियल में डिफरेंस देखना है, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है, जो सबसे बड़ा अंतर हमें बताता है, वो इसका लाइसेंस है. तो जब तक हम लाइसेंस के बारे में इसके नहीं जान लेते और जब तक हम ये ना देख लें कि उस वेब पेज पर, उस टेक्स्ट फाइल पर, उस PDF पर, उस वीडियो पर, उस इमेज पर वो लाइसेंस लगा है या नहीं लगा है, तब तक हम उसे OER नहीं मानते. बेसिकली OER जो है
वो ऐसा एजुकेशनल रिसोर्स है जिस पर यदि एक ऐसा लाइसेंस लग जाए जो लाइसेंस आपको ये जानने में मदद करे दैट यू कैन यूज दैट मटेरियल, यू कैन अडॉप्ट एंड ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन दैट मटेरियल, यू कैन यूज दैट मटेरियल, डाउनलोड दैट मटेरियल विदाउट द पुटिंग एनी रिक्वेस्ट टू द ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर। मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने उस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया, लेकिन मैंने उसको स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस के तहत अपलोड किया। तो अगर मेरा वीडियो स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस के तहत अपलोड है तो कोई और टीचर उस वीडियो को डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि वो मुझसे इसकी अनुमति नहीं लेता। लेकिन यदि वही मेरा वीडियो मैंने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत, OERs के लाइसेंस के तहत अपलोड किया है और मैंने उसका रीयूज अलाउ किया है तो किसी को भी मुझे निरंतर संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरा वीडियो देखेगा, अगर उसको यूजफुल लगेगा वो उसको डाउनलोड करेगा, वो अपने क्लास में यूज करेगा, वो अपने वीडियो लेक्चर में यूज करेगा, वो अपने किसी ऑनलाइन मटेरियल में यूज करेगा। इसका मतलब मैंने उसे अपना मटेरियल इस्तेमाल करने की परमिशन दी। तो यहां पर एक और कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि ओपन लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि जो चीज ओपन लाइसेंस में है वो सब पब्लिक डोमेन में है और उसका जो ऑथर है, जो उसका क्रिएटर है, जिसने उसे बनाया है, उसने अपने सारे अधिकार छोड़ दिए। ही हैज गिवन अप ऑल द राइट्स। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली व्हेन अ क्रिएटर और द ऑथर ऑफ अ कंटेंट पुट अ लाइसेंस विद द कंटेंट, देन द ऑथर डिसाइड्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम टू द यूजर्स। तो यदि मैं कोई कंटेंट का कॉपीराइट होल्डर हूं और मैं उस कंटेंट के साथ कोई OER लाइसेंस अप्लाई करता हूं तो ये मैं तय करूंगा कि मेरे मटेरियल के इस्तेमाल के लिए मैं कितना फ्रीडम अपने लर्नर्स को, अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि लाइसेंस कॉपीराइट होल्डर के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ये बेसिकली इसलिए मदद करता है कि हमको बार बार स्टूडेंट्स के साथ, बार बार जो क्रिएटर है, जो ओरिजिनल ऑथर है, उससे बार बार परमिशन न लेनी पड़े। एक बार उसने अपलोड कर दिया एक OER लाइसेंस के साथ, उसकी शर्तें हमने पढ़ ली और अब हम उस मटेरियल को बिना उससे पूछे उन शर्तों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम उन शर्तों का उल्लंघन करेंगे तब हम समस्या में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि द ओपन लाइसेंस डिसाइड्स द डिग्री ऑफ ओपननेस विच ऑलवेज बिलोंग्स टू द ऑथर ऑफ द कंटेंट। कि किसी भी कंटेंट के साथ, चाहे वो वीडियो है, टेक्स्ट है या दूसरा मटेरियल है, उसके साथ जो ओपन लाइसेंस हमने जोड़ दिया है वो ये निर्धारित करता है कि इसमें कितनी डिग्री ऑफ ओपननेस है, किस स्तर तक इसमें खुलापन है। और ये कौन निर्धारित करता है? ये वही निर्धारित करता है जो उस कंटेंट का ओरिजिनल क्रिएटर है, जो उसका कॉपीराइट होल्डर है। तो इट डजंट मीन दैट इफ अ मटेरियल इज हैविंग एन ओपन लाइसेंस दैट इट इज नॉट कॉपीराइटेड मटेरियल। इट इज कॉपीराइटेड मटेरियल विद अ परमिशन अप टू अ सर्टेन लिमिट, सो दैट लिमिट इज डिसाइडेड बाय द लाइसेंसेस। सवाल आता है कि क्या ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज वास्तव में फ्री होते हैं? अगर हम OERs के डिफरेंट लाइसेंसेस को, जिनकी बात मैं अभी आपके साथ करूंगा, उनको देखें तो हमें चार तरह के फ्रीडम दिखाई देते हैं। पहला है फ्रीडम जीरो। इसका मतलब है कि यू कैन रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पज, इवन फॉर द कॉमर्शियल पर्पज। फ्रीडम जो वन है वो आपको ये भी अलाउ करता है कि ना केवल उस प्रोग्राम को आप यूज कर सकें बल्कि आप ये भी देखें कि वो प्रोग्राम कैसे काम करता है, और यदि आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से उसमें कोई परिवर्तन लाना है, कोई अडेप्टेबिलिटी लानी है, तो वो आप ले आए। जो फ्रीडम डिग्री टू है वो आपको अलाउ करता है कि न केवल आप उस मटेरियल को यूज करें बल्कि आप उस मटेरियल को किसी दूसरे को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कई बार मैं देखता हूं कि कई बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम लोग टेक्स्ट बुक्स की PDF डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डाउनलोड करके कहीं से, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या वो टेक्स्ट बुक कॉपीराइटेड है। अगर वो टेक्स्ट बुक कॉपीराइटेड है तो हम कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं। जब तक कि टेक्स्ट बुक पब्लिशर या टेक्स्ट बुक राइटर, जिसके पास भी उस किताब का कॉपीराइट है, क्योंकि कॉपीराइट या तो किताब के ऑथर के पास होता है या कई बार जो पब्लिशर्स हैं जब वो ऑथर से किताब लिखवाते हैं तो वो कॉपीराइट अपने आप ले लेते हैं, तो उसका कॉपीराइट उनके पास होता है जो पब्लिशर।
तो जब तक पब्लिशर या ऑथर ने ये तय नहीं किया है उस कंटेंट या उस किताब के साथ कि ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की तरह कहीं भी बांटा जा सकता है, तब तक हम उसको किसी भी पब्लिक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने रिडिस्ट्रीब्यूशन का परमिशन दिया है तो वी कैन डू इट। देन जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बेसिकली आपको सब कुछ अलाउ करता है। वो अलाउ करता है आप उसमें चेंजेस लाइए, वो अलाउ करता है आप उसको उसके जो चेंजेज हो गए, जो इम्प्रूवमेंट हो गए, जो नया वर्जन है वो चाहे आप अपने नाम से पब्लिश कर दीजिए। उसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि मैंने जो कुछ भी कंटेंट क्रिएट किया है, एक टीचर ने, एक कंटेंट बनाने वाले ने, चाहे वो इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वो पूरी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए है, तो हम उसका फ्रीडम ड्रॉप कर देते हैं, हम उसको फुल फ्री कर देते हैं। तो दैट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप किसी भी अगर ओईआर को देखेंगे तो उसके साथ आपको चार सिंबल दिखाई देंगे। सॉरी, उन सिंबल्स को मैंने इस स्क्रीन पर रखने की कोशिश की है, और पहले मैं इन सिंबल्स को एक्सप्लेन करता हूं, फिर इनके कॉम्बिनेशंस की चर्चा करूंगा। जो चार सिंबल्स हैं उसमें एक सिंबल आपको दिखेगा, एक ह्यूमन इमेज है एक सर्कल में, जिसके नीचे लिखा हुआ है एट्रीब्यूशन, और इसका सिंबल, जो लेटर सिंबल है, वो है बी बाय। तो अगर किसी भी मटेरियल के साथ ये सिंबल अटैच्ड है, मींस दिस इमेज और दिस बी बाय इज रिटन, इट मींस दैट द कॉपीराइट होल्डर और द क्रिएटर ऑफ द कंटेंट हैज अलाउड अदर्स टू कॉपी द मटेरियल, टू डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल, टू डिस्प्ले द मटेरियल, इवन टू क्रिएट योर ओन कॉपीराइटेड मटेरियल। आप अपना कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, आप दूसरे के, उस जिसने ये लाइसेंस दिया है उसका कंटेंट आप देखकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है, दैट यू नीड टू गिव द क्रेडिट द वे दे हैव रिक्वेस्टेड। तो इसका मतलब है कि बिना ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट दिए हम उस कंटेंट का, उस वीडियो का, उस इमेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमको इस्तेमाल करने की फ्रीडम उसने दे दी है, लेकिन उसने एट्रीब्यूशन मांगा है। एट्रीब्यूशन मींस कि ओरिजिनल ये किसका क्रिएशन है उसको आपको मेंशन करना जरूरी होगा। इसी तरह से जो दूसरा सिंबल है, अगर आप इसको देखें तो ये एक तरह से कॉपीराइट का अपोजिट है, लेकिन ये उल्टा सी नहीं है, एक एरो है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो है। ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो है, इसको सिंबल को कहते हैं शेयर अलाइक और एस ए। ये जो एस ए सिंबल है, अगर ये किसी मटेरियल के साथ कनेक्टेड है, किसी मटेरियल के साथ प्रिंटेड है, किसी मटेरियल के नीचे जोड़ा गया है, तो इसका अर्थ ये होगा कि मटेरियल बनाने वाले ने उसको दूसरों को अलाउ किया है यूज करना। उसने ये भी कहा है कि दूसरे इसका प्रयोग कर सकते हैं अपना कंटेंट डेवलप करने के लिए, लेकिन जब वो अपना कंटेंट शेयर करेंगे, मान लीजिए मैंने कोई इमेज ली और उस इमेज को अपने पावर पॉइंट में यूज किया, और वो इमेज ऐसे लाइसेंस के साथ थी, तो कल को जब मैं अपना पावर पॉइंट शेयर करूंगा पब्लिक डोमेन में, तो मैं भी उसी लाइसेंस के साथ शेयर करूंगा जिस लाइसेंस के साथ वो कंटेंट मैंने यूज किया है दूसरों का। ठीक, तो ये शेयर अलाइक का मतलब है, जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही का मतलब उसी डिग्री ऑफ लाइसेंस के साथ आप उसको शेयर करेंगे। देन कई बार आपको ये सिंबल दिखेगा जिसमें बीच में डॉलर का सिंबल है और ऊपर से क्रॉस है, जिसको कहते हैं नॉन कॉमर्शियल, और इसको लेटर ग्रेड लेटर सिंबल है एनसी। अगर किसी स्टडी मटेरियल के साथ, किसी वीडियो के साथ, किसी इमेज के साथ ये एनसी सिंबल कनेक्टेड है, तो अगर ये एनसी सिंबल कनेक्ट होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि हम उस मटेरियल का इस्तेमाल अपने क्लासरूम में कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने कोलिग्स के नॉलेज एनहांसमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम उसको किसी ऐसी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे हम कोई कॉमर्शियल बेनिफिट ले रहे हैं। हम कोई पेड क्लास में उसको यूज नहीं कर सकते, हम कोई किताब छापकर उसको बिक्री करना चाहते हैं उसमें उस कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। सो इट मीन्स दिस नॉन कॉमर्शियल सिंबल रिफ्लेक्ट्स दैट इफ अ कंटेंट इज हैविंग दिस एनसी सिंबल, द कंटेंट इज फ्री टू यूज फॉर योर पर्पज, फॉर योर स्टूडेंट पर्पज। यू कैन कॉपी इट, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, यू कैन डिस्प्ले इट, यू कैन डेवलप योर ओन डेरिवेटिव वर्क, बट फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पज ओनली। तो इसको हम फिर केवल नॉन कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते।
चौथा सिंबल जो है जिसमें इक्वल टू का साइन होता है एक सर्कल में, जिसको कहते हैं नो डेरिवेटिव वर्क और एनडी। अगर किसी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के साथ ये सिंबल अटैच है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरों को अपने मटेरियल को यूज करना, कॉपी करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउ कर रहा है, लेकिन आप उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, कोई कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं कर सकते, कोई लाइन चेंज नहीं कर सकते, कोई वीडियो का पोर्शन डिलीट नहीं कर सकते, कोई इमेज के साथ एडिटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज नो डेरिवेटिव वर्क अलाउड। तो ये एक तरह का रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस है कि आपने वो कंटेंट ऑथर ने कहा आप इसको यूज करिए, आप इसको कॉपी करिए, अपने स्टूडेंट्स को बांटिए, कलीग्स को बांटिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन आप इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। जैसा मैंने क्रिएट किया है आप इसको ऐसे ही यूज करेंगे। तो ये जो चार सिंबल हैं, एट्रीब्यूशन जिसमें हम कहते हैं जिसका है उसको हम क्रेडिट देते हैं, शेयर अलाइक जिस लाइसेंस का कंटेंट हमने यूज किया है उसी लाइसेंस के साथ हम उस कंटेंट को पब्लिश करें, नॉन कॉमर्शियल कि उस कंटेंट को हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले सकते, और नो डेरिवेटिव कि उस कंटेंट को यूज करना अलाउड है लेकिन उसमें कोई चेंज लाना अलाउड नहीं है। तो ये जो चारों सिंबल्स हैं अगर आप गूगल करेंगे या आप अगर OERs ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा कि कई तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन सिंबल्स के आपको नजर आएंगे, और हर एक मटेरियल के साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जुड़ा होगा। हो सकता है वो CCYSA हो सकता है वो CCYSANC हो सकता है वो CCYSANDE हो। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। ये कुल 6 तरह के पॉपुलर लाइसेंसेस हैं जो किसी भी कंटेंट के साथ जुड़े रहते हैं, और उनका सिंबल इस तरह से दिखता है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं। पहला है एट्रीब्यूशन, सॉरी, पहला है एट्रीब्यूशन CC BY, दूसरा है एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक CC BY SA, तीसरा है एट्रीब्यूशन नॉन कॉमर्शियल CC BY NC, चौथा है एट्रीब्यूशन नो डेरिवेटिव CC BY ND, फिफ्थ इज एट्रीब्यूशन नॉन कॉमर्शियल शेयर अलाइक CC BY NC SA, एंड सिक्स्थ वन इज एट्रीब्यूशन नॉन कॉमर्शियल नो डेरिवेटिव CC BY NC ND। तो आइए लेट अस सी दैट व्हाट डज दीज लाइसेंस मीन। अगर एक लाइसेंस केवल किसी मटेरियल के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है CC BY, सो व्हाट द BY मींस, BY मींस एट्रीब्यूशन। तो अगर किसी कंटेंट के साथ इफ एनी कंटेंट इज हैविंग दिस सिंबल CC BY, दिस मींस दैट द लाइसेंस होल्ड द कॉपीराइट होल्डर और द क्रिएटर ऑफ द कंटेंट हैज अलाउड यू टू डिस्ट्रीब्यूट इट, टू यूज इट, टू मॉडिफाई इट, टू रिमिक्स इट, टू ट्वीक इट, टू क्रिएट योर ओन कंटेंट बाई यूजिंग दिस कंटेंट। यू कैन इवन पब्लिश इट कॉमर्शियली, यू आर फ्री टू यूज एंड यू आर फ्री टू अर्न मनी बाई यूजिंग दिस कंटेंट, बट ऑनली कंडीशन इज दैट यू नीड टू गिव द क्रेडिट, यू नीड टू गिव द क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर। कि Supriya, I will come on that. I will come on that. How to give license to our video? I will come on that. I will show you. I will show you. Just wait. अभी हम वीडियो की बात बात में करते हैं. Let us first understand what the licenses are. So, the credit, जब तक आप original creator को देते हैं, तब तक वो content कोई भी किसी भी तरह use कर सकता है. चाहे उसको change करे, चाहे उसको उसका कोई पोर्शन यूज करे, उसको कट करे, उसका एक एक दो सेकंड का क्लिप काट के यूज कर ले, या उसका अगर इमेज है तो उसका कोई पोर्शन कट करके यूज कर ले। सारे फ्रीडम आपके पास हैं अनटिल और अनलेस यू आर गिविंग द क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द कंटेंट। अगर इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है, अर्थात एक कंडीशन और जुड़ जाती है CC BY के साथ, तब ये कंडीशन आपको अलाउ करती है दैट यू कैन यूज इट, यू कैन रीमेक्स इट, यू कैन अडॉप्ट इट, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्क इवन फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। बट द वन कंडीशन इज BY, दैट यू नीड टू गिव द क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर, एंड अनदर कंडीशन हैज बीन एडेड टू इट, दैट इज SA मीन्स द कंटेंट विच यू विल क्रिएट, द न्यू इमेज, द न्यू वीडियो, द न्यू टेक्स्ट विच यू विल डेवलप बाय यूजिंग द OER, you will put the same license under which that OER was. So if that OER was with CC BY SA, then your OER which you will upload on any public domain,
यू विल ऑल्सो कीप इट विद सीसीपी बाय एसए। तो सेम लाइसेंस के साथ आपको ये करना पड़ेगा। अगर लाइसेंस के साथ सीसी बी वाई के साथ एनसी जुड़ा है, तो जैसा मैंने कहा बी वाई, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट बी वाई मीन्स यू नीड टू एक्नॉलेज द क्रिएटर, बट इफ एनसी इज अटैच टू इट, यू कैन यूज इट, यू कैन अडॉप्ट इट, यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन ट्विक इट, यू कैन डेवलप योर ओन वर्क, बट यू कैन नॉट रन एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी, यू कैन नॉट पब्लिश इट टू अर्न मनी, यू कैन नॉट मेक इट अ पार्ट ऑफ अ बुक ऑफ विच यू आर गेटिंग रॉयल्टी, यू कैन नॉट पब्लिश इट एज अ पेड ब्लॉग। सो ऑल दोज थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड। सो इफ वी आर यूटिलाइजिंग एनी कंटेंट विच कम्स विद एनसी लाइसेंस, देन वी कैन नॉट यूज सच ओपन एजुकेशनल रिसोर्स फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पज। देन कम्स द एनडीसीसीबी बाय एनडी। तो ये लाइसेंस आपको इस्तेमाल करने की परमिशन देता है, कहता है एक तो बी वाई करो, मींस आप उसको एट्रीब्यूशन दो, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसी के नाम से वो कंटेंट शेयर करो, लेकिन अगर उसने उसके साथ एनडी जोड़ दिया है तो कंटेंट क्रिएटर ने एक कंडीशन जोड़ दी कि अब आप उसको यूज तो कर सकते हैं, अब आप उसको यूज तो कर सकते हैं। गौरव आई विल कम ऑन दैट, हाउ यू विल चेक द साइन अप यूट्यूब चैनल, वेट वेट आई विल शो यू, प्लीज डोंट आस्क द क्वेश्चन अबाउट वीडियो राइट नाउ, आई नो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, सो डोंट वरी नाउ। सो इफ अ ओईआर इज हैविंग दिस लाइसेंस, मीन्स इट द क्रिएटर ऑफ द कंटेंट हैज अलाउड यू टू यूटिलाइज इट इवन फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, बट यू कैन नॉट डू एनी मॉडिफिकेशन और एनी चेंज इन द ओरिजिनल कंटेंट। तो यहां वो कहता है कि आप मेरा ओरिजिनल कंटेंट ही यूज करेंगे, मेरे एट्रीब्यूशन के साथ यूज करेंगे, आप यूज चाहे जितना कर लीजिए, जिसको मर्जी उसको दे दीजिए, किताब का कोई हिस्सा बना लीजिए, किसी पावर पॉइंट में वो इमेज यूज कर लीजिए, मुझको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उसको मेरा क्रेडिट देंगे और आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यू विल नॉट प्ले विद इट, यू विल नॉट ट्विक इट, राइट। देन कम्स द अनदर रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंस विच इज सीसी बी बाई एनसीएसए। सो इफ नाउ थ्री सिंबल्स आर प्लेइंग टूगेदर, सो बी वाई मीन्स दैट एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, सो यू नीड टू गिव द एट्रीब्यूशन टू द ओरिजिनल ऑथर, इट इज अलाउइंग यू टू ट्विक, इट इज अलाउइंग यू टू बिल्ड ऑन योर ओन वर्क बट फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पज, एंड यू विल शेयर इट विद द सेम लाइसेंस विद विच द कंटेंट यू आर यूजिंग। तो यहां पर लाइसेंस सेम होना चाहिए, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए, और आपको उसको ओरिजिनल ऑथर को इसका एट्रीब्यूशन, इसका क्रेडिट देना होगा। देन कम्स द सीसी बी बाय एनसीएनडी। ये हम कह सकते हैं कि अब तक जितने लाइसेंस की हमने चर्चा की, इन सब में से सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंस है, दिस इज मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंस। तो ऐसा मटेरियल जो सीसी बी बाय एनसीएनडी के साथ आता है, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, हम उसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, और हमें उसका एट्रीब्यूशन या उसका क्रेडिट जो है वो ओरिजिनल ऑथर को देना होगा। सो यू कैन नॉट चेंज देम, बट यू कैन यूज देम, यू कैन यूज देम फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पज, नॉट फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, एंड यू नीड टू गिव टू द क्रेडिट टू द ऑथर। तो ये जो लाइसेंसेस हैं, ये हमें देखने पड़ते हैं व्हेन वी ट्राई टू यूज एनी कंटेंट विच वी विश टू यूज फॉर आवर टीचिंग लर्निंग। एक और लाइसेंस का फॉर्म अक्सर देखने को मिलता है, हालांकि बहुत रेयर है, बहुत कम लोग इतने बड़े हृदय के होते हैं जो इस लाइसेंस को इस्तेमाल करते हैं, सीसी जीरो। सो सीसी जीरो मीन्स नो राइट रिजर्व। इसका मतलब है कि अब कॉपीराइट ऑथर ओनर ने अपने सारे राइट्स सरेंडर कर दिए हैं, उसने आपको हर चीज के लिए फ्री कर दिया है, आप उसका नाम ना दें, आप उसको एट्रीब्यूशन ना दें, आप ये भी ना बोलें कि ये इमेज किसने खींची है, तो भी वो आप पर मुकदमा करने, आप पर कोई लीगल केस करने नहीं आएगा। सो सीसी जीरो बेसिकली कॉपीराइट से ऑप्ट आउट करता है, अर्थात कॉपीराइट की जितनी भी कंडीशंस हैं उन सब से आपको बाहर निकाल देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नो राइट रिजर्व। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसे बहुत कम मटेरियल मिलेंगे जो इस लाइसेंस के साथ हों, लेकिन अगर कोई मटेरियल इस लाइसेंस के साथ अपलोड होता है तो फिर वो मटेरियल आप ये समझिए कि वो सबसे ज्यादा फ्री मटेरियल अवेलेबल है।
अब सवाल ये आता है कि यदि ये सारे लाइसेंस हैं तो हम ये मटेरियल ढूंढेंगे कैसे? हाउ वी विल सर्च? इफ आई एम अ टीचर और मुझे एक पावर पॉइंट बनाना है, मुझे एक क्लास के लिए लेक्चर तैयार करना है, मुझे कोई लेक्चर नोट तैयार करना है, मुझे बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी बनानी है, तो मुझे OERs चाहिए, मुझे इमेज में OER चाहिए, मुझे वीडियो में OER चाहिए, मैं कहां से ढूंढूं? मुझे नहीं पता OER कैसे मिलेंगे। ये तो मुझे पता है कि मुझे OER इस्तेमाल करने चाहिए और सबसे ज्यादा OERs को ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे में तीन चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। देयर आर थ्री थिंग्स विच यू नीड टू नो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड एन OER टू यूज इट फॉर योर टीचिंग लर्निंग पर्पज। द फर्स्ट इज द सर्च इंजन। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, जैसे याहू एक सर्च इंजन है, लेकिन जब हम याहू, गूगल, बिंग इनसे कुछ भी सर्च करते हैं तो हम जब भी कोई कीवर्ड डालते हैं तो उससे जुड़े हजारों लाखों पेज हमारे सामने आ जाते हैं, या हम इमेज सर्च करते हैं तो बहुत सारी इमेज हमारे सामने आ जाती है। लेकिन क्या वो इमेज एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है या नहीं, इसके लिए हमें फर्दर फिल्टर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड OER सर्च इंजन्स बने हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करें, जैसे OCWConsortium.org है, search.creativecommons.org है, discover.lab.creativecommons.org/search है, तो ये जो कुछ सर्च इंजन है ये बहुत स्पेसिफाइड सर्च इंजन है। मनीषा, वी कैन गिव इट फॉर लाइफ टाइम ऑल्सो, इट इज ऑलवेज ऑन द कॉपीराइट होल्डर। अ कॉपीराइट होल्डर हैज अ राइट टू चेंज द डिग्री ऑफ द लाइसेंस इवन आफ्टर अपलोडिंग द कंटेंट। इफ दे फील दैट नाउ आई नीड टू विदड्रॉ माई CC लाइसेंस, यू कैन विदड्रॉ योर CC लाइसेंस। सो इट इज ऑलवेज ऑन द ऑथर और द क्रिएटर ऑफ द कंटेंट, राइट? सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो वट आर द सर्च इंजन्स। हम ऐसे कौन से सर्च इंजन हैं जिनकी मदद से ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं, जैसे OCW कंसोर्टियम, क्रिएटिव कॉमन्स ORG एंड क्रिएटिव कॉमन्स। ऐसे ही अगर हमें OER रिपोजिटरीज पता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सर्च इंजन एंड अ रिपोजिटरी। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जो सर्च इंजन है वो बेसिकली एक माध्यम है, अगर वेब वर्ल्ड में कोई चीज है तो वो कहीं भी हो उसको केवल खोज के आपके सामने ले आएगा। सर्च इंजन में कोई कंटेंट नहीं होता है, सर्च इंजन आपको उन वेब पेजेस तक पहुंचाता है जिन वेब पेजेस पर कंटेंट होता है। वो उस YouTube चैनल तक पहुंचा देगा जहां उस टॉपिक पर YouTube वीडियो है, वो उस इमेज के पेज तक पहुंचा देगा, उस वेबसाइट तक पहुंचा देगा जहां वो इमेज है, लेकिन वो उसमें नहीं होता, वो केवल एक हेल्प करता है, वो केवल आपको रास्ता दिखाने वाला एक सर्च इंजन है। लेकिन जो रिपोजिटरीज होती हैं उनमें कंटेंट सेव होता है, जैसे ओपन लर्न, open.ac.uk, उनका अपना रिपोजिटरी है। तो ओपन लर्न बेसिकली ओपन यूनिवर्सिटी यूके जितना कंटेंट क्रिएट करती है OERs में, वो उसको वहां डिपॉजिट करती है और आप वहां से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज में, मैनेजमेंट कोर्सेज में और बहुत सारे कोर्सेज में MIT OCW एक बहुत अच्छा OER रिपोजिटरी है और बहुत पुरानी OER रिपोजिटरी है। स्कूल एजुकेशन में, खासतौर पर अगर हम स्कूल एजुकेशन, इंडिया में स्कूल एजुकेशन की बात करें, क्लास 1 टू क्लास 12 की टीचिंग लर्निंग की बात करें, तो उसके लिए जो सबसे अच्छी ओपन एजुकेशनल रिपोजिटरी अवेलेबल है देश में वो NROER है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिसको NCERT मैनेज करती है, जहां आप तमाम तरह का कंटेंट, चाहे वीडियो, चाहे टेक्स्ट, चाहे फाइल्स, इमेज, आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से टीचर एजुकेशन में tessafrica.net एक बहुत अच्छा OER रिपोजिटरी है, जहाँ टीचर एजुकेशन से जुड़े बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेसन प्लानिंग है, मेथडोलॉजी है, टीचिंग मेथड्स हैं, कंटेंट डेवलपमेंट है, इस सब से रिलेटेड बहुत सारा सब्जेक्ट की पेडोगॉजी है, मैथमेटिक्स पढ़ाने के तरीके, इंग्लिश पढ़ाने के तरीके, साइंस पढ़ाने के तरीके, तो वो सारे कंटेंट वहाँ अवेलेबल है। देन कम्स द डायरेक्टरीज। सो देर आर सम साइट्स विच हैव द लिस्ट ऑफ OERs कि इमेज के लिए कहां कहां OER अवेलेबल है, वीडियो किन किन OER साइट्स पर अवेलेबल है, टेक्स्ट PDF किन किन OER साइट्स पर अवेलेबल है। तो वो एक टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह OER डायरेक्टरी, जहां आपको उन वेबसाइट्स का एड्रेस मिलेगा जहां OER कंटेंट अवेलेबल होता है। तो ऐसी कई सारी डायरेक्टरीज प्रचलन में है, जैसे OER कॉमन्स एक डायरेक्टरी है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की डायरेक्टरी www.col.org/OER है, और www.oerafrica.org है। इस तरह की कई सारी रिपोजिटरीज हैं, सॉरी डायरेक्टरीज हैं, जहां आपको उन वेबसाइट्स का एड्रेस मिलेगा जहां OER मिल सकते हैं। तो तीन चीजें आपको जानने की जरूरत है। सर्च इंजन, हम वहां से कैसे OER ढूंढें,
वो या रिपोजिटरी अगर कोई है तो वो कौन सी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां हमें OER डायरेक्टरी मिल सकती है। जैसे ये OER कॉमन्स का एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया हुआ है। OER कॉमन्स एक सर्च इंजन है। अगर आप अपने URL लिखेंगे https://www.oercommons.org, तो आप यहां देखेंगे कि आपसे पूछता है आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। यू मे बी लुकिंग फॉर अ टेक्स्ट, यू मे बी लुकिंग फॉर अ वीडियो, यू मे बी लुकिंग फॉर अ इमेज, यू जस्ट पुट हियर। इन विच सब्जेक्ट यू आर लुकिंग फॉर, इफ यू आर सर्चिंग इट फॉर साइंस यू पुट साइंस, इफ यू आर सर्चिंग फॉर मैथ यू पुट साइंस मैथ, इफ यू आर सर्चिंग फॉर इंग्लिश यू पुट इंग्लिश। तो यहां आप सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए देख रहे हो, क्या देख रहे हो, किस लेवल पर देख रहे हो, एट वॉट लेवल, इज इट स्कूल एजुकेशन लेवल, हायर एजुकेशन लेवल और अदर ग्रेड लेवल और प्राइमरी लेवल। देन विच स्टैंडर्ड, इज इट फॉर थर्ड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सेवंथ स्टैंडर्ड, एट्थ स्टैंडर्ड, इलेवंथ स्टैंडर्ड। तो क्लास, एजुकेशन का लेवल, सब्जेक्ट और आप क्या ढूंढ रहे हो, जैसे आप ये चारों चीजें इसमें फिल कर देंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे, तो जो कंटेंट आपके पास आएगा अगर वो OER के फॉर्म में अवेलेबल है कहीं भी दुनिया में, तो ये OER कॉमन्स उसको सर्च करके आपके सामने रख देगा। ऐसे ही दूसरा सीसी सर्च इंजन है। जैसा मैंने बताया सीसी सर्च इंजन इज अ गुड इंजन, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, सीसी सर्च में जाते हैं, https://search.creativecommons.org, ये इसकी वेबसाइट है। यहां पर ये जो सर्च लिखा हुआ है, इस सर्च के बराबर में ये जो बॉक्स है, यहां आप अपना कीवर्ड डालते हैं कि कौन से कीवर्ड का कंटेंट आपको सर्च करना है। उसके बाद यहां देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, द फर्स्ट ऑप्शन इज यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पज, सेकेंड ऑप्शन इज मॉडिफाई और अडॉप्ट। सो इफ यू वॉन्ट टू यूटिलाइज द कंटेंट विच यू आर सर्चिंग फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पज, देन यू क्लिक हियर। तो ये केवल वही कंटेंट ढूंढ कर देगा जो कंटेंट कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो सकता है। अगर मॉडिफाई एंड अडॉप्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको केवल वही कंटेंट ढूंढ कर देगा जो कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं, जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तन ला सकते हैं। यू कैन चेंज इट, यू कैन अडॉप्ट इट फॉर योर टीचिंग लर्निंग, एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन सर्च बटन इट विल गिव यू दैट आउटपुट। सो इट इज ऑल्सो वेरी गुड सर्च इंजन विच यू शुड ट्राई। देन मैंने कहा कि रिपोजिटरीज में स्कूल एजुकेशन के लिए जो सबसे अच्छी रिपोजिटरी देश में अभी उपलब्ध है वो नेशनल रिपोजिटरी फॉर अपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है, जिसको हम NROER कहते हैं। इफ यू टाइप इन योर सर्च इंजन NROER.gov.in, इट विल टेक यू टू द रिपोजिटरी फॉर स्कूल एजुकेशन कंटेंट, जहां आप पर ई लाइब्रेरी मिल सकती है, ई टेक्स्ट बुक्स मिल सकती हैं, वेब रिसोर्सेज मिल सकते हैं, वीडियो मिल सकते हैं, इमेजेस मिल सकती हैं, एनिमेशन मिल सकते हैं, म्यूजिक साउंड्स मिल सकते हैं। और ये रिपोजिटरी एवर ग्रोइंग रिपोजिटरी है, तो इसको भले ही एनसीईआरटी मैनेज करता है, लेकिन बहुत सारी एससीईआरटीज, बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो भी अपना कंटेंट NROER को सबमिट करते हैं, और NROER उसको रिव्यू करके इफ दे फाउंड इट इज यूजफुल फॉर द लर्नर्स एंड इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी, देन दैट कंटेंट इज हियर। तो आपको अगर अपने लेसन प्लान के लिए कोई कंटेंट ढूंढना है, कोई क्लासरूम में पावर पॉइंट बनाने के लिए कोई कंटेंट ढूंढना है, किसी भी सब्जेक्ट में, इफ इट इज अ स्कूल सब्जेक्ट, देन यू कैन गो टू द NROER एंड यू कैन फाइंड द स्कूल सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। So it is a very specific repository of school education content which you should try and you should choose. ऐसा ही ओपन लर्न की मैंने आपको बात बताई थी, ओपन लर्न इज ऑल्सो वेरी गुड रिपोजिटरी। टेस इंडिया की बहुत अच्छी रिपोजिटरी टीचर एजुकेशन के लिए है, टीचर एजुकेशन थ्रू स्कूल बेस्ड सपोर्ट। टेस इंडिया एक वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट ने जो उसमें जो कंटेंट क्रिएट किया गया टीचर ट्रेनिंग के लिए, वो सारा कंटेंट इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप उस कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। Now, if you want to learn in more details about open educational resources, कि open educational के resource कैसे बनाएं, कैसे इनके license decide करें, कौन से license का combination permutation possible है, मुझे और detail में जानना है, ये गौरव सिंह की 20 minute की class या 20-25 minute का जो discussion है, उससे मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई, I want to know more, then I am telling you very good course. You go to the website learnoer.col.org. It is only 2-hour interactive online course freely available for anyone. Understanding open educational resources. तो OERs की बेसिक जानकारी को
दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स ने इस कोर्स में रखा है। द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 2 आवर्स। आप चाहे तो एक दिन में 2 घंटे बैठकर कोर्स कर लीजिए, हो सकता है आपकी स्पीड थोड़ी पढ़ने की कम हो तो आपको 3 घंटे भी लग जाए। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके 3-4-5 दिन में इस कोर्स को कर लीजिए। दे विल नॉट आस्क यू एनी फी फॉर इट, बट यू विल लर्न अ लॉट अबाउट OERs इन डिटेल्स एंड इन डेप्थ। दे हैव इनबिल्ट क्विजेज, दे हैव इनबिल्ट गेम्स, एंड एट द एंड दे हैव अ कोर्स एंड क्विज ऑल्सो। इफ यू स्कोर मोर देन 80% इन दैट, देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट दैट यू हैव कंप्लीटेड एन a MOOC course or an online course on open educational resource from Commonwealth of Learning. So this you can try if you want to know more about OERs. So I hope that my discussion till now will help you to understand what OERs are, how you can utilize OER, how you can search OER, why is it important to use OERs.